नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता है टीवी चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सांसद खेल महाकुंभ और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सिद्धार्थनगर जिले में आज महिलाओं की स्कूटी रैली निकाली गई। इस रैली को सांसद जगदम्बिका पाल ने हरी झंडी दिखाकर जिला मुख्यालय के स्टेडियम से रवाना किया। स्कूटी रैली में 75 स्कूटी सवार महिलाओं ने हिस्सा लिया। यह स्कूटी रैली जनपद मुख्यालय से होती हुई करीब 20 किलोमीटर का सफर तय कर गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्त्र स्तूप गई। जगह जगह स्कूली छात्राओं ने रैली पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कपिलवस्त्र पहुंचकर इस स्कूटी रैली में शामिल सभी प्रतिभागियों ने वहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रैली में शामिल सभी महिलाओं, बच्चियों और सांसद जगदम्बिका पाल के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रगान और वंदे मातरम गीत गाया। इस अवसर पर कपिलवस्त्र में विभिन्न देश भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। रैली में शामिल होने आई एक महिला ने कहा कि इस तरह का आयोजन लगातार होना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर खेल भावना के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी जागृत होती रहे। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रैली के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी और मोदी की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और साथ ही गाँव में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज स्कूटी रैली निकाली गई है। लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मनाया ही जाएगा, साथ ही खेल महाकुंभ के मद्देनजर लगातार खेल के आयोजन भी सिद्धार्थनगर जिले में होते रहेंगे। मैं जिला व्यायाम शिक्षिका मिसेस सीमा द्विवेदी, सिद्धार्थनगर। देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का और इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ था और अभी भी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां शहीदों के ये स्मारक हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, जहां पे ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। युवा पीढ़ी को याद दिलाने के लिए, उन सबको याद करने के लिए, अपने देश की आज़ादी की कीमत समझने और समझाने के लिए ये आयोजन हुआ है और इसमें सभी विभागों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, मेरे साथियों ने, मेरी बहनों ने। और आज यहाँ पे आ करके तो वो आनंद आया जो शायद आज़ादी के समय कभी आया होगा। रास्ते भर हम लोगों ने एक रन किया यहाँ तक के लिए स्कूटी से, स्कूटी फॉर यूनिटी इसको नाम दिया गया था और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। याद आ गया कि किस तरीके के संघर्षों और जोश के बाद ये आज़ादी हमें हासिल हुई है। महिलाओं ने इसमें भाग लिया 75, ये 75 महिलाओं की स्कूटी की एक इवेंट थी और 75-75 की दो टोलियां बनी थी जो कुछ अंतराल पे चल रही थी। इसको बराबर सांसद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी सुपरवाइज भी कर रहे थे और सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। पुलिस प्रशासन व्यवस्था सभी का बहुत सहयोग रहा और हम लोग बिल्कुल निर्विघ्न यहाँ तक अपनी स्कूटी रैली में पहुँचे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण, बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी दायित्व है, बिल्कुल दायित्व है, इसलिए इसको नहीं कहा जाता, नहीं करते हैं जो आप बोल रहे हैं, अपना महत्व समझे कि क्या होता है। सही है सर। सर, स्कूटी फायर रन का आयोजन किया, क्या इसका लक्ष्य था? आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ है, देश के आज़ाद हुए, वो अमृत महोत्सव के रूप में कोविड की वैश्विक चुनौतियों के बाद जब भारत के समक्ष पीपी का किट का हो, चाहे वेंटिलेटर का हो, इनके 95 मास्क का हो, ये संकट आया तो उसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, आज उसका नतीजा है कि आज कोवैक्सीन कोविशील्ड दो दो हमारे पास हैं। आज हम 101 रक्षा आयुध बनाने जा रहे हैं। तो इससे आज ये जो अमृत महोत्सव, इसका केवल स्कूटी फॉर रन कि ये भारत केवल आज़ादी के 75 साल हम नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में इस देश की एकता और अखंडता को तो अक्षुण रखेंगे, उस पर आँच नहीं आएगी, बल्कि आने वाले दिनों में भारत को विश्व का एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का, कि हमारी निर्भरता किसी क्षेत्र में दुनिया के किसी देश में ना हो। अभी तक तो हम चाइना, अमेरिका, रूस पे थे, लोग हम पे निर्भर हों। जिस तरह से आज चाहे वो को हमारा कोविड का वैक्सीनेशन अभियान हो या चाहे पूरी दुनिया को हमने वैक्सीन दिया हो, तो आज उसी का संकल्प है कि अब भारत को विश्व की प्रतिस्पर्धा में खड़े रखने के लिए हम अपने देश के लिए उस एकता अखंडता को संकल्प करें। वो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ था, इसलिए अमृत महोत्सव जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उस श्रृंखला में गौतम बुद्ध की धरती कपिलवस्तु, जहाँ पे उन्होंने 29 वर्षों में खेले हों, राजा शुद्धोधन के यहाँ इस महल में रहे हों,
तो इससे उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता था कि इस अमृत महोत्सव का संदेश पूरे देश में इस तथागत गौतम बुद्ध की धरती से। कितनी बहनों ने भाग लिया इसमें? 75 बहनों का टारगेट था कि 75 साल आज़ादी की हो तो 75, लेकिन फिर 75-75 की दो टोली बनानी पड़ी, उससे भी आगे हो गया, तो सैकड़ों की संख्या में बहनों ने भाग लिया। भाग लेने से ज़्यादा जिस तरह से उत्साह था, सुबह 9 बजे से यात्रा शुरू हुई, उससे पहले आ गई, अभी 4 बजने जा रहा और अभी तक मौजूद हैं, तो इससे लगता कि सिद्धार्थनगर की बेटियां भी केवल आत्मनिर्भर नहीं हो रही हैं, आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ के उस मिशन शक्ति के, नारी की सुरक्षा, नारी के स्वाभिमान, नारी के अधिकारों के लिए भी वो खड़ी होने तैयार है। और क्या करते? मेरा नाम तृप्ति सिंह है, पढ़ते हैं। किस क्लास में? बीए फाइनल। तृप्ति जी, आज ये जो कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का स्कूटी जो रैली थी, इसका आप हिस्सा बनी है, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के आयोजन और होने चाहिए, क्या कहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में? इसके आयोजन में और भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि देशभक्ति बढ़े और खेलने कूदने में बच्चे और भी आगे आए। जो स्कूटी रैली जो निकाली गई, इस स्कूटी रैली का आज आप हिस्सा थी, आपको कैसा लग रहा है और इस तरह के कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आज की स्कूटी रैली में मुझे बहुत ही उत्साहवर्धक लगा है और हम सब बहुत ही उत्साहित हैं इस चीज़ को लेके, और इस तरह का आयोजन मेरे संज्ञान में सिद्धार्थनगर में पहली बार हुआ है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस तरह के आयोजन और भी भविष्य में होते रहें ताकि खेल भावना के साथ साथ लोगों में देशभक्ति की भावना का भी विकास हो, जागरूकता फैले।